बन गया मैं टूपा टूपा एक। होते थे शेषे ये परीलोक में, लेकिन लगाए किसने पृथ्वी लोक पर? होगा ये काम जरूर बालवीर का। डुबा 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 पुकार रहे थे आप मुझे, लो मैं आ गया। कहाँ थे तुम? छोड़िए ना वो सब, चलिए जांच लेते आपकी शक्तियां फटाफट। हाँ चलो चलो चलते। एक मिनट का बोल के गया था मानो, 10 मिनट हो गए अभी तक नहीं आया। कितना टाइम वेस्ट करेगा यार ये, एक बार मानो मेरे हाथ में आ जाए फिर बालवीर को मुझसे हाथ मिलाने के लिए आना ही पड़ेगा। बस एक बार ये पलटू तीर मांटो को लग जाए उसका मुझे मारने वाला प्लान पलट जाएगा, फिर वो मारने के बजाय मेरी हर बात मानने लगेगा। अरे मोटा एक जगह शांति से बैठ क्यों नहीं जाता? अरे मोंटू, अरे अभी तक गए नहीं खेलने? नहीं अंकल, मैं मानो का ही वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया। आएगा आएगा, अभी आ जाएगा। वो क्या है कि फुटबॉल जो है उसका फेवरेट गेम, तो जब खेलने जाता है ना बिल्कुल प्रॉपर तैयार होके जाता है। अब वो जैसे मेरे बारे में सोचते थे उससे उल्टा सोचेंगे, मतलब वो पहले मुझे जितना प्यार करते थे अब मुझे उतना ही गुस्सा करेंगे। मारो 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 मारो। तुम क्यों खड़े हो? बैठो बताऊं कि पापा को पलटू तीर लगने से पापा और मेरा प्लान दोनों ही पलट गए हैं। आउट हुआ।
डुबा डुबा बालवीर, हूँ मैं यहाँ। नहीं, तुम यहाँ कैसे? वो सब छोड़िए बालवीर, हे काम बहुत जरूरी। चलिए हे करते जाओ सबसे पहले नटखट परी के शक्ति की। हे डुबा डुबाए, सबसे पहले वो शक्ति जांचनी चाहिए जो शक्ति चल नहीं रही। पक्का? लीजिए सोच। डुबा डुबा मैंने सोच लिया है, अब जाओ इस पीछे वाले पेड़ पे चढ़ जाओ। पेड़ पे? तुम ऊपर चढ़ोगे और नीचे कूदोगे। क्या? कूदने के लिए? हाँ, तुम ऊपर चढ़ के नीचे कूदोगे तब मैं तुम्हें गिरने से पहले अटकाती परी की शक्ति मांगूंगा और तुम्हें बचा लूंगा। पर अटकाओगे कैसे? अटकाती परी वाली शक्ति तो चलती नहीं आपकी। डूबा डूबा एक वही तो जांचना है ना, है ना? हाँ, चलो अब चढ़ जाओ स्पीड पे। हाँ, वो चढ़ता मैं पेड़ पे। कहती है परी भयंकर सही, नहीं मिलता मुझे कुछ बिना गिरे। तैयार हो? हाँ, मैं तैयार कूदने के लिए। हाँ, हेड काती परी शक्ति देख रही, कर तो अपनी शक्ति प्रकट। डुबा डुबा एक जाए हवा में अटक, कूदो डुबा डुबाए। अरे डुबा डुबा नहीं नहीं, हूँ मैं ठीक। कहा था ना मैंने आपको, नहीं चलेगी आपकी शक्ति। हूँ जानता मैं सब कुछ, इसलिए कहते हैं मुझे सब लोग ज्ञानी। बालवीर, अब करते हैं जांच नटखट परी के शक्ति की। नहीं डुबा डुबाए, अब हम बाल परी से मिली हुई शक्ति जांचेंगे। पक्का? लीजिए सोचा। हाँ, मैंने सोच लिया है। तो क्या भागूंगा मैं इस पेड़ की चारों तरफ और पकड़ोगे आप मुझे बाल परी की शक्ति से? मैं तुम्हें बाल परी की शक्ति से ही बचाऊंगा, पर पेड़ के चारों और भाग के नहीं, पेड़ के ऊपर से कूद के। अंकल मैं जाऊं? बेटा बैठो ना, तुम क्यों? बैठो, तुम बैठो। और ओ, तुम कहां जा रहे हो? चुपचाप चुपचाप यहां खड़े रहो और मेरी बात सुनो। पापा के डांट खाने से तो अच्छा है कि मोंटू की मार खा लूं। चल मोंटू, फुटबॉल खेलने चलते हैं। फुटबॉल? मैं यहां तुम्हें डांट रहा हूं और तुम्हें फुटबॉल खेलने की पड़ी है? तो क्रिकेट खेलते हैं। ये क्रिकेट खेलने का टाइम है? ये टाइम क्रिकेट खेलने का है ये? तो क्या खेलने का टाइम है? अरे भाई, कोई गेम खेलने का टाइम नहीं है ये। पढ़ाई? हाँ, पढ़ाई तो तुम करते नहीं हो, हमेशा खेल कूद खेल कूद। जब फुटबॉल की तरह बड़े बड़े इतने गोल गोल जीरो मिलेंगे ना, तब यहाँ आके रोते हुए बैठना। हर वक्त खेलना कूदना मस्ती। तैयार हो? हूँ मैं तैयार। हे बाल परी शक्ति देख रही, दिखाओ अपनी शक्ति का कमाल और बनाओ डुबा डुबा एक के लिए बालों का जाल। डुबा डुबा एक कूदो। अरे डुबा डुबा एक, डुबा डुबा, अरे खड़े हो जाओ। अब तो कीजिए शक्ति, शक्ति परी की शक्ति का इस्तेमाल। नहीं डुबा डुबा एक, अब हम जांचेंगे शक्ति गाल परी की। नटखट परी की शक्ति की जांच करते हैं ना, वो परी सबसे ज्यादा अच्छी है। सभी परी अच्छी है डुबा डुबा, तो फिर चढ़ जाओ पेड़ पे। पेड़ पे फिर से? अरे ये भी शक्ति नहीं चली। डुबा डुबा अंकल मैं जाऊं? अरे बेटा बैठो ना, बैठो तुम आराम से बैठो। अरे भाई मस्ती करो, खेलो कूदो, कितने दिनों बाद आए हो। और तुम, जरा भी मस्ती नहीं चाहिए मुझे, पढ़ाई पढ़ाई में जरा भी ध्यान कम गया ना तो नहीं चलेगा। लेकिन पापा मैं तो पढ़ाई करता हूँ। अच्छा तू पढ़ता है, बता मेरे एक सवाल का जवाब दो।
सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? मैंने नहीं तोड़ा। मैंने भी नहीं तोड़ा था अंकल। अरे तो कोई बात नहीं मंटू, अरे भाई बच्चे हैं, खेल कूद करते हैं, उससे कभी कभार कोई चीज टूट जाती है तो क्या हुआ, बच्चों पर गुस्सा थोड़ी करते हैं, है ना। और तुम अब करे नटखट परी के शक्ति की जांच। कहाँ डूबा डूबा है, अभी तो आर पार परी से मिली हुई शक्ति जांच करना बाकी है। उसके लिए तुम्हें भागना होगा, यहाँ से पेड़ तक भागना होगा, और तुम्हारे टकराने से पहले मैं आर पार परी की शक्ति मांग लूंगा। हा? तुम बच जाओगे, ठीक है? भागो डूबा डूबा। देख वो भागता मैं। अरे ये भी शक्ति नहीं चली। अरे डूबा डूबा। अब तो कीजिए जांच नटखट परी के शक्ति की। डूबा डूबा एक, तुम बार बार मुझे नटखट परी से मिली हुई शक्ति की जांच करने के लिए क्यों कह रहे हो? नहीं ऐसे ऐसे ही ना, तो ठीक है अब जांच करते हैं विजदार परी से मिली हुई शक्ति की। विजदार परी की शक्ति मतलब लगेंगे मुझे बिजली के झटके जोर जोर से। झटके तो लगेंगे, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम थक गए हो तो हम बाकी शक्तियों की जांच बाद में कर देंगे। नहीं नहीं बालवीर, हूँ मैं तैयार बिजली के झटके लेने के लिए बार बार। डूबा डूबाई तुम कितने अच्छे हो, मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो। नहीं कर रहा मैं ये तुम्हारे लिए बालवीर, कर रहा हूँ मैं ये ताकि सोच की शक्तियाँ तुम्हारी इन हीरो में डाल सकू और खुश कर सकूं परी भयंकर को। डूबा डूबाई क्या मैं शुरू करूं विजदार परी की शक्ति की जांच? हे विजदार परी शक्ति देख रही। डूबा डूबाई मेरी विजदार परी की शक्ति काम कर गई। पढ़ाई में जरा भी ध्यान कम लगा तो आज से खाना पीना बंद। ठीक है। अच्छा मंटू तुम जाओ, मैंने यहाँ रखी है। अच्छा अब तुम्हें खेलने नहीं जाना है? ये तुम्हारा दोस्त बेचारा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है और अब खेलने नहीं जाना है? पढ़ाई कम करके कम नंबर लाने का डिसीजन तुम्हारा, खेलने भी नहीं जाने का डिसीजन तुम्हारा, मैं तुम्हारा पापा हूँ। हाँ पता है। अरे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कोई डिसीजन लूंगा। अंकल मैं निकलूं? क्यों क्यों जाना, कोई जरूरी काम है? हाँ अंकल, वो जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटा था ना, मुझे उसे जोड़ने जाना है। मानो मुझे तो लगता नहीं है कि तुझे बालवीर भी जब ऊपर से बचा सकते हैं। चल बाय। बाय अंकल। बालवीर इससे पहले मैं थक जाऊं कर लेते हैं जांच भटका दी परी की शक्ति की। हाँ पर उसमें मैं करूँ क्या? अरे सोचना क्या है इसमें, बना दो मेरे जैसा और एक डुबा डुबा एक, फिर ढूंढना उसमें से कौन है असली कौन है नकली। अरे वाह बालवीर, आपने भटका दी परी की शक्ति की जांच भी शुरू कर दी और बना भी दिया मेरे जैसा डुबा डुबा एक। नहीं नहीं डुबा डुबा एक, मैंने भटकाती परी की शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो ये दूसरा डुबा डुबा कहाँ से आया? बालवीर हूँ मैं डुबा डुबा एक, ये है मेरा जुड़वा भाई तोबा तोबा। तोबा तोबा? नहीं नहीं हूँ मैं डुबा डुबा एक। बालवीर मत सुनिए इसकी, फटाफट शुरू कीजिए जांच अपनी शक्तियों की। नहीं नहीं बालवीर मत जांचना अपनी शक्ति, है इसके पीछे इसकी कोई चाल। अभी पकड़ता मैं इस तोबा तोबा को। तोबा तोबा
तुम इतना परेशान क्यों हो परी भयंकर? परेशान तो मुझे होना चाहिए। जैसे ही बालवीर की तीनों शक्तियां मैं सोख लूंगी तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं बुराइयां कैसे करूंगी? मेरी परेशानी का कारण तुम नहीं हो तबाही, मेरी परेशानी का कारण है वो बालवीर। बहुत समझदार है वो। अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि उसकी कुछ शक्तियां काम नहीं कर रही हैं। मुझे डर है कि कहीं उसे ये ना पता चल जाए कि सबके पीछे हमारा हाथ है, क्योंकि अगर उसे ये पता चल गया तो वो अपनी शक्तियों को कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इससे पहले कि उसे पता चले कि हम उसकी शक्तियां सोख रहे हैं, मैं बड़ी चालाकी से उसकी तीनों शक्तियां सोख के आपके तीनों हीरे रंगीन कर दूंगी। तीन नहीं है, सिर्फ दो ही हीरे बाकी रंगीन होने के लिए। दो नहीं तीन है, तौबा तौबा। हो समझती आप तो मुझे बिल्कुल बेकार और बेवकूफ ना परी भयंकर। ये तुमने कैसे किया तौबा तौबा? अकल से। अरे अकल से क्या, कैसे किया? ए चुप, तू चुप। ए चुप। अरे बेवकूफ तू चुप। ए चुप चुप चुप। तबाई हो तबाई, हर तबाई। इतने से मामूली काम के लिए लगाई तुमने आग, कर दिया बस का ब्रेक फेल, उड़ा दिया बच्चों को हवा में और गिरा दिया मुझे साइकिल से नीचे। मैंने तो सिर्फ बैठे बैठे ही कर दिया इशारा बालवीर को, और बालवीर खुद चलकर आया मेरे पास और देकर गया मुझे शक्ति। हाँ। अरे पर किया कैसे? बस खाकर मैं रूप बदलू बोली बन गया टूपा टूपा एक। और कहा बालवीर से, ए बालवीर करो इस्तेमाल विदार परी की शक्ति का। किया उसने बस वैसे ही और हो गया हीरा रंगीन। तो फिर एक ही क्यों ली, बाकी की दो भी ले लेते। हाँ हाँ ले रहा था वो शक्तियाँ भी मैं, पर आ गया तभी मेरा जुड़वा भाई डूबा डूबा एक और चल गया पता बालवीर को कि हूँ मैं तोबा तोबा और खेल रहा हूँ मैं कोई खेल। क्या क्या? उसकी शक्तियां धोखे से, तोबा तोबा बालवीर। हाँ बालवीर कहीं नहीं पता कि कर क्यों रही हो आप ऐसा, और पता चलेगा भी नहीं कि सोच के उसकी सात परियों की शक्तियां मिल जाएगी आपको सप्तरंगी शक्तियां, और हो जाएगा आपका जादुई दंड फिर से शक्तिशाली। दंड तो अब तुम्हें मिलेगा तौबा तौबा, अपनी जुबान बंद नहीं की तो। पर अभी दंड मिला भी तो है क्या फायदा? है दो बाकी शक्तियां बालवीर की मिलने की,
और होंगे नहीं जब तक बालवीर के शक्ति से ये सारे हीरे रंगीन नहीं आएगी वापिस शक्ति आपकी जादू दंड में। हाँ दे रही है आप इसलिए वो दंड मुझे। सुन लिया तुमने आपने सब सुन लिया बेवकूफ। तो अब मुझे समझ में आया कि मेरी शक्तियाँ चल क्यों नहीं रही है। तो इस सब के पीछे तुम हो, तुम छीन रही थी मेरी शक्तियाँ भयंकर परी के लिए। इसलिए स्कूल में जब से तुम आए हो बच्चों पर एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही है। पर अब तुम सबका खेल खत्म। अच्छा करो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बाद में करो करो, क्योंकि जैसे ही तुम शक्ति का इस्तेमाल करोगे वो तो इस हीरे में आ जाएगी। करो ना। मेरे से ही भयंकर परी आपकी शक्तियां इस्तेमाल करके होगा फायदा भयंकर परी को। अब क्या करोगे आप बालवीर? चिंता मत करो डुबा डुबा एक, भयंकर परी को अपने दंड को वापस शक्तिशाली बनाने के लिए मेरी और दो शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं मिलेगी सिर्फ एक ही शक्ति, क्योंकि मैं अपनी एक ही शक्ति का उपयोग करके इन तीनों को सजा दे सकता हूँ। हमेशा के लिए इन्हें बच्चों से दूर कर सकता हूँ। तो सजा के लिए तैयार हो जाओ भयंकर परी, तबाही और तौबा तौबा तुम भी। इस वक्त यहाँ से निकलने में ही समझदारी है। तुमने ये सब किया ताकि मैं खुश होकर तुम्हें अपने आने वाले राज्य का प्रधानमंत्री बना। मगर तुमने जो हरकत की है ना उससे तो मन कर रहा है कि तुम्हें अभी इसी वक्त छचुंदर बना दूं। बना ही दो, फिर इस छचुंदर को मैं हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दूंगी। ये अकेला नहीं जाएगा जमीन में, अगर बालवीर और परिया मिल गई तो हम सारे लोग जमीन में जाएंगे। एक बार मेरी शक्तियां वापस आ जाए तो परी भयंकर और तबाही मिलकर पूरे परी लोक पर राज करेंगे, पृथ्वी लोक की रानी बनेंगे। मगर तुम दोनों की वजह से मुझे मेरी शक्तियां कभी नहीं मिल सकती। पर मैंने क्या किया? मैं तो बालवीर की एक एक शक्तियां सोच कर तुम्हारे पास ला रही हूँ। एक एक करने से क्या होता है? अब तक केवल 5 शक्तियां मिली है,
अब भी दो शक्तियाँ बाकी है। जब तक मैं उस बालवीर से सातों शक्तियाँ नहीं ले लेती, मैं फिर से शक्तिशाली नहीं बन पाऊंगी। लेकिन अब तो सब कुछ जान चुका है वो। अब वो अपनी शक्तियाँ कब इस्तेमाल नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। करेगा, जरूर करेगा। मैं करवाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अग्नि, पानी, बिजली, किसी का भी सहारा क्यों न लेना पड़े। अच्छा, तो जाकर ये कर, बालवीर लगा देगा उल्टा आग तुम्हें, और डुबा देगा पानी में, और देगा बिजली के झटके जैसे दिए थे मुझे। लेकिन मैं जाकर दूंगा बालवीर की शक्तियाँ अभी भी। अच्छा, जैसे पहले लाया था वैसे। फिर जाके कहेगा बालवीर से कि वो अपनी सारी शक्तियाँ तुझ पे इस्तेमाल करे। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है मुझे, आएगी शक्तियाँ खुद ब खुद मेरे पास। हाँ हाँ, बालवीर खुद ला कर देगा ना तुम्हें वो शक्तियाँ। नहीं, सांता क्लॉस। सांता क्लॉस, सांता क्लॉस। बनूंगा मैं बच्चा, पहनूंगा मैं लाल जुराब, और लिखूंगा उस पे, चाहिए मुझे बालवीर की शक्तियाँ। और बालवीर की सारी शक्तियाँ उस जुराब में डाल देगा। बेवकूफ समझाए सांता क्लॉस को, वो बच्चों के सारे तोहफे खुद परीलोक में बनवाता है, तो क्यों लाकर देगा वो बालवीर की सारी शक्तियाँ। वो अच्छाई का साथ देता है, बुराई का नहीं। नहीं तो भाई, तौबा तौबा, ठीक कह रहा है। ये क्या कह रहे हो परी भयंकर आप? सांता क्लॉस का सबसे प्यारा बच्चा है बालवीर। हर साल वो क्रिसमस का पहला तोहफा बालवीर को देता है, तो क्या इस बार वो उसे शक्तिहीन बनाकर उसकी सारी शक्ति हमें तोहफे में देगा? मैं जानती हूँ, सांता क्लॉस हमें कभी बालवीर की शक्तियाँ नहीं देगा। मगर सांता क्लॉस के लिए बालवीर तो हमें अपनी शक्तियाँ दे सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब एक बच्चे को बचाने के लिए बालवीर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, तो जरा सोचो, दुनिया भर के बच्चों को खुशियाँ बांटने वाले सांता क्लॉस को मुसीबत में देख के क्या वो अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं करेगा? जरूर करेगा। तुम सांता क्लॉस के साथ क्या करने का सोच रही हो परी भयंकर? सांता क्लॉस का अपहरण। और फिर उसे लेकर जाएंगे पाताल लोक में, और जब बालवीर वहां आएगा तो हम उसे मजबूर करके उसकी सप्तरंगी शक्तियों को ले लेंगे। सात परियों ने दी थी जो सात शक्ति आपको, सोख लिए उसमें से पांच शक्तियां भयंकर परी ने एक एक करके। चलकर हमें बतानी होगी ये बात रानी परी को। नहीं डुबा डुबा, मैं ये बात रानी परी को नहीं बताऊंगा। क्यों? लेकिन अगर हो जाएगा भयंकर परी का जादुई दंड शक्तिशाली फिर से, तो बढ़ जाएगा खतरा उसका। है जरूर ये बात बताना हमें रानी परी को। हाँ डुबा डुबा, मैं जानता हूँ ये बात रानी परी को बतानी होगी। हाँ डुबा डुबा, पर रानी परी अभी दुनिया की करोड़ों बच्चों की खुशियों के लिए सांता क्लॉस के साथ क्रिसमस की तैयारियों में जुड़ी होगी। अगर मैं उन्हें भयंकर परी के छल की बात बताऊंगा तो वो सब कुछ छोड़ के मेरी मदद करने के लिए आ जाएगी। तो अब आप क्या करोगे बालवीर? बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है डुबा डुबा। और जिस जिम्मेदारी के साथ रानी परी और बाकी सात परियों ने मुझे शक्तियाँ दी थी, उस जिम्मेदारी के साथ भयंकर परी से मुझे पांच शक्तियाँ वापस हासिल करनी होगी। मगर कैसे? है नहीं इतना आसान बिना शक्तियों के। हाँ डुबा डुबा, मैं ये जानता हूँ। अभी भी मेरे पास दो शक्तियाँ बची हुई है, और उससे भी बड़ी है सच्चाई और अच्छाई की ताकत, जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और जिससे मैं एक भयंकर परी से ही नहीं, मैं उसके जैसे सौ भयंकर परियों को भी हरा सकता हूँ।
समय हो गया। कहाँ भयानक लोग जाने का? नहीं डुबा डुबा, मैं अगले भयानक लोग नहीं जा रहा हूँ। आज क्रिसमस से पहले की रात है, इसलिए सेंटा क्लॉस मुझे पृथ्वी लोक पे मिलने आने वाले हैं, और मैं उनको मिलने के लिए ही जा रहा हूँ। और हम दोनों मिलकर दुनिया के सारे सच्चे और अच्छे बच्चों को उनके मनपसंद तोहफे बांटेंगे। हाँ। अभी मेरा उनसे मिलने का समय हो गया, तो अब तुम परी लोग जाओ, अब हम कल सुबह मिलेंगे, ठीक है? है ठीक, हूँ मैं चलता। खुश रहो बालवीर। खुश रहो डुबा डुबा। ये डाल दी मैंने अपने मछली के सॉस में। तूने डाली? मैंने तो डाली। हाँ। ये देखो, अब रात को सांता क्लॉस आएंगे और इसे पढ़कर हमारी पसंद की गिफ्ट इसके अंदर डाल देंगे। पढ़ने से आता है महर। तूने मेरी तरह अपनी विश हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी है ना? क्योंकि अगर सांता क्लॉस को हिंदी पढ़ने नहीं आता होगा तो तेरा गिफ्ट तो गया। मानव जस्ट ग्रो अप, जस्ट ग्रो अप। सांता क्लॉस दुनिया के हर बच्चे को गिफ्ट बांटते हैं, इसलिए उन्हें दुनिया की हर भाषा आती है। हाँ हाँ ठीक है, चल अब सॉक्स बांधते। हाँ हाँ बांधते। हाँ हाँ चल। ये चल तेरे दे, ये ले। ये क्या? दो दो सॉक्स? ए चीटर, तू दो दो सॉक्स क्यों बांध रही है? सांता क्लॉस के भोलेपन का फायदा उठाना चाहती है? वेरी बैड, वेरी बैड। मैं कोई चीटिंग वीटिंग नहीं करी हूँ। ये दो सौ सॉक्स मेरे लिए नहीं है तो किसके लिए है? वो ना मालूम है ना, सांता क्लॉस चीटर्स को गिफ्ट नहीं देते। और कहीं तेरे चक्कर में मुझे भी गिफ्ट नहीं दिया तो? मानव चुप कर। देख ये दो सौ सॉक्स मेरे लिए नहीं है, बल्लू के लिए। वो तो अपने चाचा के यहाँ गया, तो उसके गिफ्ट के लिए हमें सॉक्स मांगना पड़ेगा ना। पक्का? तो बल्लू के गिफ्ट के लिए सॉक्स टांग रही है? हाँ, क्यों? नहीं, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ए, क्या मतलब? नहीं, वो तेरी उससे बनती नहीं है ना? अरे बनती नहीं है इसलिए तो ऐसा कर रही हूँ, नहीं तो कल क्या होगा? सांता क्लॉस का गिफ्ट हमें मिलेगा और उसे नहीं। फिर पापा कहेंगे कि बल्लू भी अब तुम्हारा भाई है, तो उसके साथ अपना गिफ्ट शेयर करो। जैसे कि हमने अपना घर, रूम, टॉयज और यहाँ तक कि मेरा बर्थडे भी उसके साथ शेयर किया था। और मैं दोबारा ऐसा नहीं करना चाहती। पक्का? यही वजह है? हाँ। क्यों, तू कुछ और सोच रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस कंफर्म कर रहा था। हो गया कंफर्म? अब बल्लू को गिफ्ट मिले ये जरूरी है, और वो जैसा भी है तो हमारे परिवार का हिस्सा ही ना। हाँ वो तो है, है ना? तो अब सॉक्स लगा। हाँ हाँ। अभी तक क्यों नहीं है? थैंक यू बालवीर, थैंक यू रानी परी, थैंक यू परियो, हमको ये डांस सिखाने के लिए। क्यों, आपने रानी परी और बाकी सब परियों से ये नाच सीखा था? नहीं नहीं, ये डांस उन्होंने हमको नहीं सिखाया, पर सीखा है हम उनसे ही। डोंट गेट कंफ्यूज माय चाइल्ड, तुम तो जानता है
हम ये क्रिसमस का गिफ्ट के लिए कितना दिन परीलोक में था, वहाँ पे सब परीलोक खुश रहो परियो, खुश रहो परियो, खुश रहो डुबा डुबा। ये करते करते हमको ये इतना पसंद आया कि इसको हमने हमारा डांसिंग स्टाइल बना लिया। ऐसे जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। सांता क्लॉस, आप जब भी मुझसे मिलते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। मन करता है कि आपकी बातें सुनता ही रहूं। हमको भी ऐसा ही होता है, पर बालवीर अभी हमको जाना है और बच्चा लोग को क्रिसमस का गिफ्ट देना है। चलो, वैसे भी अभी बहुत रात हो गया है। चलो चलो बालवीर, नाउ वी हैव टू रश। एक मिनट बालवीर, अरे हम हमारा गिफ्ट का बैग तो उधर ही भूल गया। अच्छा, मैं लेके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम इधर रुको, हम अभी जाके लेके आता है। धोखे में मैं नहीं आऊंगा। तुम चाहे जो भी कर लो, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुम्हें भयंकर परी के लिए मुझसे और शक्तियां नहीं मिलेगी। अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करोगे? नहीं, नहीं करूंगा। अगर मैं तुम्हारे आंखों के सामने सांता क्लॉस का अपहरण करूं, उसे पाताल लोक में ले जाऊं, तब भी नहीं? हाँ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी तबाही। तुम्हारी शक्तियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर हिम्मत है तो आ जाओ पाताल लोक में और बचाओ अपने सांता क्लॉस को। बालवीर बचाओ! सांता! अब मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी शक्तियां और दूसरी तरफ सांता क्लॉस। अगर सांता क्लॉस नहीं होंगे तो क्रिसमस कैसे मनाएंगे? बच्चे बहुत दुखी हो जाएंगे क्रिसमस के दिन। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मानव मेहर, मानव मेहर, मानव। क्या हुआ पापा? इधर आओ, तुम इधर जाओ। मेरे बेटा, मैंने मेरे रूम में मेरे जो सॉक्स हैं वो मस्त धो के ऐसा प्रेस करके रखे थे, अभी मुझे मिल नहीं रहे हैं, तुमने देखे? पापा, आपको रात को क्यों चाहिए? मैं टाई बना के तो नहीं पहनूंगा ना उसे, मुझे पैर में पहनने के लिए चाहिए। पापा, आपका
ऑफिस तो सुबह है ना? हाँ तो क्या, सुबह होता है तो क्या, सुबह सुबह तुम्हारी तरह घूमता फिरूं मैं? ये वो क्या बोलेगी बेचारी, वो क्या बोलेगी? सॉरी पापा, वो दरअसल कल क्रिसमस है ना, इसलिए हमने आपसे बिना पूछे ही आपके सॉक्स सांता क्लॉस के लिए टांग दिए, ताकि जब सांता क्लॉस यहाँ आए तब इसके अंदर जो विशेस लेकर हमने डाली है वो उन विशेस को पूरी कर दे। ए मेहर, मैं ये सोचता हूँ कि बेटा मेरी भी कई विशेस हैं, तो मैं भी लिख के ये सॉक्स में डाल देता हूँ। नहीं पापा, आपकी विश पूरी नहीं होगी। क्यों, क्यों नहीं होगा? तेरी विशेस पूरी होंगी, मेरी विशेस क्यों नहीं पूरी होंगी? क्योंकि पापा सांता क्लॉस सिर्फ बच्चों की विश पूरी करते हैं। पता है मुझे, सीखो अपनी बहन से सीखो। कितना अच्छा समझाती ना मेहर, क्यूटी पाई, हैप्पी सांता क्लॉस, क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस। मैं सुबह से देख रही हूँ पापा तुझे हर बात पे डांट रहे, पहले तो खुद ही सुबह शाम कहते थे बेटा तुमने दूध पिया, बेटा तुमने खाना खाया या नहीं, बेटा थोड़ा आराम कर लो, और अब बात बात पे डांट रहे। तूने कुछ किया है क्या? ये सब जो मैं डांट खा रहा हूँ ना, सिर्फ बालवीर की वजह से। ए बालवीर का नाम मत ले, बालवीर बच्चों को बचाता है, बच्चों को डांट नहीं पड़वाता। अरे हाँ, उसका दीवा पलटू बान है ना, उसकी वजह से मैं डांट खा रहा हूँ। पलटू बान? हाँ। ये? हाँ ये है। इस बार को हम जिस इंसान को मारेंगे उसकी सोच उल्टी हो जाएगी, अगर वो प्यार करता होगा तो उसकी सोच गुस्से में बदल जाएगी। ये बाण मुझे बालवीर ने दिया था मोंटू को मारने के लिए, ताकि उसका गुस्सा दोस्ती में बदल जाए, लेकिन ये गलती से पापा को लग गया। अच्छा, तो इसीलिए पापा का तेरे लिए प्यार गुस्से में बदल गया है। आओ बालवीर आओ, बड़ी जल्दी आ गए, मुझे तो लगा था तुम बहुत देर लगाओगे सोचने में कि तुम मुझे वो शक्तियां दो या नहीं। इसमें सोचना क्या है तबाई, मैं यहाँ सांता क्लॉस को बचाने आया और मैं तुम्हारी आंखों के सामने से सांता क्लॉस को बचा के ले जाऊंगा। आओ तो बचा कर ले जाओ अपने सांता क्लॉस को। वैसे भी मुझे तुम्हारे सांता क्लॉस नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी शक्तियां चाहिए। चलो इस्तेमाल करो अपनी शक्तियां और बचाओ अपने सांता क्लॉस को। नो, नो बालवीर, हमको इसका इरादा नेक नहीं लगता है। खबरदार तबाई, जो तुमने सांता क्लॉस को चोट पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, नहीं पहुंचाऊंगी चोट, मैंने तुम्हारी एक बात मान ली, अब तुम मेरी एक बात मान लो, करो ना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल, करो। सोच क्या रहे हो बालवीर, अब तुम्हारे सांता क्लॉस के पास ज्यादा वक्त नहीं है, अब कभी भी वो नौकीली दीवार उन तक पहुंच जाएगी और फिर अब कोई क्रिसमस नहीं मनेगा। अब क्या, कभी भी क्रिसमस नहीं मनेगा। मेरे होते हुए सांता क्लॉस को कुछ नहीं हो सकता। तो फिर करो ना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल,
करो। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तुम अपनी नटखट परी की शक्ति इस्तेमाल करो। बस इतनी सी बात? अरे 2 मिनट में पापा का गुस्सा पलट कर प्यार में बदल जाएगा। अच्छा कैसे? देख मैं बाहर जाऊंगी और पापा को अपने बातों में उलझाऊंगी, फिर तू बाहर आकर ये पलटू बांध उन्हें फिर से मार देना। क्या फिर से? नहीं नहीं, पहली बार मारा तो इतना गुस्सा कर रहे, दूसरी बार मारूंगा तो पता नहीं क्या करेंगे। अरे मानव तू भी ना बुद्धू है, पहले जब तूने ये पलटू बांध उन्हें मारा था तब वो तुझसे प्यार करते थे और उनका प्यार पलट कर गुस्से में बदल गया और अब वो तुझसे गुस्सा कर रहे हैं। तो ये पलटू बाण अगर तू उन्हें फिर से मारेगा तो उनका गुस्सा पलट कर प्यार में बदल जाएगा। अरे हाँ है ना, तो अब ये पलटू बाण लेकर जल्दी से बाहर आ। हाँ लेकिन निशाना एकदम सही लगाना, नहीं तो मैं तुझे पीट दूंगी। पापा वहाँ बैठे, बाण मार दे। मम्मी का है? अबे मम्मी को तीर मारना है कि पापा को? मारना तो पापा को ही है तो। लेकिन मम्मी दिख लेगी तो? मम्मी दिख रही है क्या? जो मम्मी देख लेगी। चल मैं तुम बालवीर, मैं तुम्हारी जगह होती और सांता क्लॉस की जगह भयंकर परी की जान खतरे में होती, तुम्हें उनके लिए कुछ भी करती। नहीं बालवीर, ये शैतान तबाही की बात में तुम नहीं आना। इसके पास तुम्हारा शक्ति आ जाएगा तो ये दुनिया का किसी भी बच्चा को खुश नहीं रहने देगा। माय चाइल्ड, तुम इसको अपना शक्ति नहीं देना। चुप, नहीं तो मैं दीवार की गति बढ़ा दूंगी। बालवीर तुम सोच क्या रहे हो? मुझे तो लगता है तुम्हें अपनी शक्तियों से प्यार है, सांता क्लॉस और बच्चों से नहीं। हाँ तुम जानती हो कि मैं बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए तुमने सांता क्लॉस का अपहरण किया और मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया। तुम तो सब जानते हो बालवीर, तो फिर दिखा दो बच्चों को कि तुम उनके लिए शक्तियां खोने के लिए तैयार हो या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करते रहोगे। नो, नहीं बालवीर माय चाइल्ड, इसका बात मत मानो। मैंने कहा था ना चुप रहो। मेहर क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आप क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ बेटा, इतना सारा काम इकट्ठा हुआ है ऑफिस का, इधर मेरे को काम करना पड़ता है। मेहर कोई पूछना है बेटा? जी वो कुछ खास नहीं। क्या हुआ बेटा, क्या पूछना था? क्या पूछना था? कुछ नहीं। आजा आजा आजा, बोलो क्या पूछना था, बोलो। ठीक है, अच्छा आप बताइए, दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज किसने उड़ाया था? दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज पायलट ने उड़ाया था। ठीक है मैं लिख देती हूँ। एक मिनट, कहाँ लिखना है बेटा? स्कूल की जीके बुक में पूछा था। जनरल नॉलेज की बुक में लिखना है? हाँ। तो बेटा एक मिनट, सही आंसर मुझे पता करने दो, मैं शर्मा जी को पूछता हूँ।
मेरा फोन कहाँ है? हाँ, डाइनिंग टेबल पे भूल गया हूँ। डाइनिंग टेबल पे फोन है मेरा। हाँ, हर वक्त मैं यहीं भूल जाता हूँ यार। ये हाँ, ये राइट ब्रदर, राइट। अच्छा, हाँ हाँ बेटा, राइट ब्रदर ही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, राइट ब्रदर ने उड़ाया था। और मेहर भाई, राइट का स्पेलिंग जो है वो RIGHT नहीं है, WRIGHT है। मेरी बिटिया को सब पता है। अच्छा, ये जो शर्मा जी है ना, ये जनरल नॉलेज की खुली किताब है। अरे तेरे जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। मेहर ने बुलाया, मैंने नहीं। लेकिन मेरा नाम तो आपने भी लिया था। तो क्या? मुझे इस बांध से चोट लग जाती तो? हाँ? तो चोट ठीक भी हो जाती। चोट ठीक नहीं होती तो घाव बन जाता तो? एम्बुलेंस बुलानी पड़ती तो? हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता तो? और अगर सुबह गिफ्ट नहीं मिलते तो? क्रिसमस खराब हो जाता तो? काश पलटू बानी ना होता तो? हे नटखट परी, शक्ति देख रही, दिखा अपनी शक्ति का कमाल, जो हमेशा ही होता, जान बचा सेंटा क्लॉस की, बना के उनको छोटा। कोई नहीं बचा सकता तबाही। मुझे मिटाना इतना आसान नहीं है। अब बचा सकते हो तो बचाओ अपने सेंटा क्लॉस को।
सुरक्षित है। आइए इस तरफ आइए। सांता क्लॉस आइए। थैंक यू माय चाइल्ड, थैंक यू। तुमने हमको उन शैतानों से बचाया। तुम अगर थोड़ा लेट आता तो न जाने क्या का क्या हो जाता। बट बालवीर आई एम वेरी सॉरी, हमको बचाने के लिए तुमको तुम्हारे एक शक्ति उन शैतानों को दे देना पड़ा। मेरी शक्ति तो मैं उसे लेकर ही रहूंगा, लेकिन अगर आज आपको खुश हो जाता तो मैं दुनिया के करोड़ों बच्चों को क्या जवाब देता। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। नो 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 माय चाइल्ड नो, तुम माफी मत मांगो। रानी परी सही बोलता है, तुम दुनिया के सब बच्चों की खुशी के रखवाले हो। पर बालवीर तुम्हारा ये शक्ति उन शैतान लोग के पास ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। तुम जाओ, जाके उसको लेके आओ। जी सांता क्लॉस, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। ओके, खुश रहो बालवीर, अभी हम चलता है। सांता क्लॉस आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? अरे हाँ, हमको अभी जाना है, सब बच्चा लोग में गिफ्ट बांटना है, उनका विशेष कंप्लीट करना है। लेकिन आप ये अकेले कैसे करेंगे? थोड़ी देर में सुबह भी हो जाएगी, इतनी जल्दी तो आप हर बच्चे को उनका मनपसंद तोहफा नहीं दे पाएंगे। हम जानता है बालवीर, पर हम क्या करेगा, हम कैसे पहुंचाएगा सब बच्चा लोग तक गिफ्ट? सांता क्लॉस आप अकेले सब बच्चों के पास नहीं पहुंच सकते। अगर आप आधे बच्चों के घर जाए और मैं आधे बच्चों के घर पर जाऊं, तो सारे बच्चों को उनका मनपसंद तोहफा मिल जाएगा और सब बहुत खुश हो जाएंगे। Yes, you are right. तुम एक काम करो, हमारा ये वाला बैग लेके जाओ, हम दूसरा बैग से आधा बच्चा लोग को गिफ्ट बांटेगा। ओके ठीक है सांता क्लॉस। खुश रहो बालवीर। खुश रहो सांता क्लॉस। बाय बाय। बाय बाय। बल्लू की जो भी इच्छा हो वो पूरी हो जाए। तुम कितने अच्छे हो माना और मेहर। डियर सांता क्लॉस, मुझे व्हाइट क्रिसमस चाहिए, बिल्कुल वैसा क्रिसमस जैसा लंदन, अमेरिका, पेरिस में होता है, स्नोफॉल वाला, जहाँ चारों तरफ से बर्फ गिरती है और सब कुछ व्हाइट व्हाइट हो जाता है। क्रिसमस गिफ्ट रख दिया होगा ना सैंटा ने? हाँ। ये क्या? इतनी छोटी साइकिल? मैं इस पे बैठूंगा या ये मुझ पे बैठेगी?
एकदम बेकार है। उठना मैं उठ। क्या है? तू मुझे इतनी सुबह सो क्यों जगा रहा है? ताकि मेरी नींद पूरी ना और मैं स्कूल में सोती रहूं। फिर टीचर मुझे देख के डांटे और बेंच पे खड़ा कर दे और मैं बेंच पे खड़े होकर सोती रहूं। और मैं बाहर नहीं सोना चाहती, इसलिए मैं फिर से सो रही हूँ। और हाँ, मुझे दोबारा जगाने की कोशिश की तो पीट दूंगी। जाग मैर जाग, आज क्रिसमस है, आज स्कूल में छुट्टी है। तू बात में सुन लेना, पर अभी मेरी बात सुन। 50 words, 50 words से ज्यादा मत बोलना। 50 words? अभी 48। अरे मैर, हम बेकार में ही खुश हो रहे थे कि सैंटा क्लॉस आएगा, हमारी मनपसंद गिफ्ट देगा। पर सच तो ये है कि सैंटा क्लॉस कुछ नहीं होता। 30 words हो गए। अरे मेहर, तू सुनना, ये देख, इतनी छोटी साइकिल रखी थी मेरे सॉक्स में। ये मेरे किस काम की? तू अपना गिफ्ट देखना, तेरी विश पूरी हुई है या नहीं। हाँ, देखती हूँ। ये लो, पहले मैं बल्लू की सॉक्स देखती हूँ। इतना छोटा बस? बल्लू ने लिरिक्स बस मांगा था? ये विश तूने लिखी थी ना? हाँ, विश तो मैंने लिखी थी, लेकिन मैंने तो लिखा था कि बल्लू को जो चाहिए वो उसे मिल जाए। हाँ, जरूर बल्लू ने माँ के लिए ये पर्स मांगा होगा। उनकी पर्स फट गई थी ना। कितना अच्छा है ना बल्लू, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। ए, तू अपना सॉक्स चेक कर। हाँ, हाँ, ये पकड़ो। मांगा था जिससे मैं स्कूल में जा सकूं और छुट्टियों में लंदन, स्विट्जरलैंड और न्यूयॉर्क सब जगह जा सकूं। तो क्या? तो देखो, सेंटा क्लॉस ने छोटा सा प्लेन दे दिया। बॉस, ये सब आपके साथ भी हुआ है? हम सोच रहे थे कि ये सब सिर्फ हमारे साथ ही हुआ है। मतलब सेंटा क्लॉस से हमने एक बड़ी सी कार मांगी थी, पर उन्होंने इतनी छोटी सी कार दे दी। ना। चलो, आपका तो समझ में आता है कि आपका छोटा प्लेन दिया। मेरा मतलब है कि पार्किंग का प्रॉब्लम होता है और बहुत महंगा आता है प्लेन।
हमने तो सिर्फ एक गाड़ी मांगी थी, पर तो भी इतनी छोटी सी गाड़ी दे दी हमें। कोई बात नहीं यार, सैंटा क्लॉस ने तुम्हें छोटी सी कार दी तो क्या हुआ, तुम्हारे ये मोंटू बॉस का दिल बहुत बड़ा है। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग मेरा प्लेन उड़ाओ। ये लो। अरे प्लेन कहाँ चला गया? प्लेन कहाँ गया? अरे यार जो मिला था वो भी चला गया। बॉस लगता है आपका प्लेन उड़ गया। अरे यार ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने कहा था ना भयंकर भाई, मैं मजबूर करूंगी बालवीर को कि वो अपनी शक्ति इस्तेमाल करे। किया क्या तुमने? थी वो तरकीब तो परी भयंकर की ना। वैसे बनी तो तुम मेरी बुराई से हो तबाही, लेकिन काम मेरे लिए सारे अच्छे ही करती हो। नहीं नहीं भयंकर परी, गलती से भी मेरे बुरे कामों के लिए अच्छे शब्द इस्तेमाल मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस अब बालवीर की सप्तरंगी शक्तियों में से आखिरी शक्ति मुझे मिल जाए। वो भी मैं जल्दी ही लाऊंगी भयंकर परी। मुझे बालवीर की कमजोरी पता चल गई है। जैसे ही मैं बच्चों पर मुसीबत खड़ी करूंगी, बालवीर वहां जरूर आएगा और अपनी शक्तियों को बचाने की जगह वो बच्चों को बचाएगा। और जैसे ही वो आखिरी शक्ति मेरे दंड में आ गई, मैं बनूंगी तीनों लोगों की महारानी और तुम्हें बनाऊंगी अपनी प्रधानमंत्री तबाही। आई बड़ी प्रधानमंत्री बनने वाली, करना होगा मुझे ही कुछ जल्दी। लाना होगा मुझे वो रंगीन हीरा परी भयंकर के लिए, नहीं तो जिंदगी पर करना पड़ेगा मुझे हाथ तबाही, हो तबाही, है तबाही, फुल तबाही। फिर मिलेंगे सेंटा क्लॉस। बालवीर चले कहाँ गए सेंटा क्लॉस? ये नॉर्थ पोल गए, अब ये अगले साल क्रिसमस पे आएंगे। बालवीर अच्छा बताइए मुझे है क्या करना आगे? तुम्हें तैयार कुछ भी करने के लिए? अब हम भयानक लोग जाएंगे और भयंकर परी से मिलके उसकी छल की मात देंगे। छल का बदला छल और ईंट का जवाब पत्थर से। ईंट का जवाब पत्थर से? नहीं डुबा डुबा, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब ईंट से देंगे उस भयंकर परी को। ईंट का जवाब ईंट से। तबाही तबाही तबाही, जब देखो तबाही तबाही। अरे कर रही है तबाही ये प्रधानमंत्री बनने का सपना मेरा, ये तबाही। अरे हाल तबाही, फुल तबाही, दस तबाही। हे आती मुझे शर्म इसे अपना भाई कहते हुए। बोलिए भागीर हे क्या बनाना इसे, चचुंदर या चूहा? नहीं डुबा डुबा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था? नहीं हाँ, एकदम याद। अपनी चतुराई से है पता करना है क्या राज तबाही को तबाह करने का, और आपकी मदद से डालना है ब्रह्म में भयंकर परी को। लेकिन सबसे पहले बनाने वाले हो आप मुझे तोबा तोबा, है ना? बिल्कुल ठीक, अब करते हैं अपना खेल शुरू। हे भटकाती परी,
फेस डूबा डूबा का कुछ ऐसा बना, दिखने लगे वो बिल्कुल तौबा तौबा। हेटिक, घूम मैं चलता अब। डूबा डूबा तौबा तौबा। कितना मस्त पर्स लाया ना बल्लू अपनी माँ के लिए। अपनी माँ का कितना ख्याल रखता है। और एक वो मानव है, धनुष बाण को अपना सब कुछ समझ के रखा है उसने। दिमाग खराब करके रखा है उसने मेरा। अरे क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? जब देखो तो आप मानव को डांटते रहते, क्या हुआ क्या है आपको? हाँ मैं भी देखती हूँ तू उसे डांटे जा रहा है। अरे कितना प्यारा सा छोटा सा होता है मेरा, तुम्हें उसे इतना नहीं डांटना चाहिए। अरे उसे डांटना ही चाहिए, सारे काम वो डांट खाने वाले ही करता है। कल पता है मेहर को ऐसा बाण मार दिया था उसने, चोट लग जाती तो उसे अस्पताल लेके जाना पड़ता तो। शांति शांति, अरे वो बाण है ना, उससे छोटी सी चींटी को भी चोट नहीं लग सकती, तो फिर मेहर को कैसे लगती? कैसे भी करके लगती। तू ऐसा नहीं मानेगा। फिर मानव जी कहिए। बेटा तेरा धनुष बाण लेकर आ तो। हाँ अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी दादी। दे तेरा धनुष बाण दे, ये ले मार। और मार मुझे। मा, क्या अभी बच्चों की तरह मारो। और अगर मुझे ये बाण लगा तो हम सब ये मान लेंगे कि मेहर को भी चोट लग सकती है। मारो। दादी रुक जाओ, ऐसा मत करो प्लीज प्लीज। नहीं मैं ये महेश को समझाना चाहती हूँ कि ये बाण से ना फूल को भी चोट नहीं लग सकती। मारो मारो बाण मारो। दादी ये चैलेंज वापस ले लो, नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? दादी को चोट लग जाएगी। नहीं तो फिर रोक क्यों रहा है मुझे? दो बड़े बात कर रहे हैं ना, तू बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जुबान लड़ाता है तू मुझे, जुबान लड़ाता है तू। जुबान लड़ा रहा है वो। महेश तू उससे क्यों बात कर रहा है? वो मुझसे बात कर रहे तो मैं उसी से बात करूंगा ना। तू तेरी बड़बड़ बंद कर और बाण चला। चल बाण चला। चलाऊं? हाँ पक्का। हाँ पक्का, ये मेरा ओपन चैनल है। हाँ चैनल नहीं देते, चैलेंज देते हैं। हाँ वो वही सेम टू सेम। तू बाण चला। मैं चला दूंगा मां। रेडी? अरे रेडी रेडी क्या कर रहा है, थप्पा खेल रहे। पापा रुक जाइए प्लीज, अभी भी टाइम है आपके पास, प्लीज रुक जाइए। चुप, आज तेरी दादी ने मुझे चैलेंज दिया है ना, तो आज मैं एक्सेप्ट करता हूँ चैलेंज। आपको पता नहीं पापा, ये बाण आपको कितना भारी पड़ने वाला है। पापा की शामत।